स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शानस्कर। क्या आपको पता है कि पिछले 3 साल में कितने लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है? यह संख्या कोई 50 से 60 हजार नहीं है, बल्कि पिछले 3 साल में 3,92,643 लोगों ने भारतीय नागरिकता का त्याग किया है। वहीं पिछले साल 2021 में 1,06,370 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता ली है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी है। बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के सवाल का जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने यह आंकड़े पेश किए। नित्यानंद राय ने बताया कि साल 2021 में भारत की नागरिकता छोड़ने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा यानी 78,284 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। इसके बाद 23,533 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ली है। उसी तरह 21,597 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ली है और 14,633 भारतीय ने यूके की नागरिकता ली है। इतना ही नहीं, और भी सुनिए, 35,435 भारतीयों ने जर्मनी की नागरिकता ली है, 6,690 भारतीयों ने इटली की नागरिकता ली है, वहीं 12,131 भारतीयों ने न्यूजीलैंड की नागरिकता ली है। यहीं तक नहीं, 48 भारतीयों ने पाकिस्तान की भी नागरिकता ली है। वहीं साल 2019 से 2021 तक की बात करें तो इस बीच 1,70,795 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इतने सारे लोगों ने भारत की नागरिकता क्यों छोड़ी? इसका भी जवाब मंत्री महोदय ने दिया, हालांकि यह जवाब आपके गले नहीं उतरेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से भारत की नागरिकता छोड़ी है। वहीं दूसरी ओर बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि जिस तरह से भारत में नफरत फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि यहाँ बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, इसलिए लोग अच्छी जीवन यापन के लिए दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। तीसरा, एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, उन्हें हर तरह से कमज़ोर बनाने की कोशिश करना, ये भी एक बड़ा कारण है। तो दोस्तों, आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलर टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिलर टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।